साथ आज जन सुलभ पुस्तकालय की ओर से आयोजित इस सभा में आपका स्वागत करती हूँ। आज आप सब मेहमान यहाँ मौजूद हैं और मैं ये भी जानती हूँ कि आप में से अधिकतर मुझसे परिचित नहीं हैं, तो ना चाहते हुए भी मैं समझती हूँ अपने बारे में कुछ थोड़ा बहुत आपको बताऊँ तो अच्छा होगा। पिछले 7 साल से आवाज़ की दुनिया, थिएटर की दुनिया, टीवी, कुछ थोड़ी बहुत फिल्म्स, इन सब से पूरी तरह जुड़ी रही हूँ। बल्कि मेरे ख्याल से ये कहना ज़्यादा सही होगा कि 1952 से जुड़ी रही हूँ, जब मैंने आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से पहला रेडियो नाटक किया था, उसमें भाग लिया था। 1939 में स्वतंत्रता संग्राम के बिल्कुल बीचों बीच जन्म लिया मैंने। मेरे बाबा डॉक्टर जैद अहमद और मेरी अम्मा हाजरा बेगम थे तो कंजर्वेटिव मुस्लिम फैमिली के, अम्मा के यहाँ तो पर्दा भी होता था, लेकिन दोनों निकल पड़े थे लंदन की तरफ अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए, और वहाँ बहुत से और जवान लड़के लड़कियों से मिलकर उनके दिल में भी इनकलाबियत जागी, उनकी नसों में भी इनकलाबियत का खून दौड़ा, और वो दोनों वापस आए, शादी की। और फिर जब मैं आई उनकी ज़िंदगी में तो उन्होंने आपस में ये तय किया कि वो चाहते हैं कि वो मुझे पूरी तौर से हिंदी, हिंदुस्तानी तरीके से पालेंगे। यानी मुझे खादी पहनाई जाती थी, हिंदी लिबास पहनाया जाता था, और मेरी पूरी एजुकेशन हिंदी मीडियम में ही हुई। घर में ज़रूर उर्दू और इंग्लिश पे जोर रहता था मेरी अम्मा की तरफ से। तो किसी ने मुझसे पूछा कि आप क्या कहेंगे कि हिंदी आपकी मातृभाषा है? मैंने कहा मेरी मातृभाषा, मेरी अपनी भाषा हिंदी है, मेरी मातृ की नहीं। तो शायद मैं ये ना कह सकूंगी कि मेरी मातृभाषा है, लेकिन हिंदी और उर्दू दोनों मेरे बाजुओं की तरह हैं। जैसे एक बाजू पूरी तरह से कुव्वत पाता है, ताकत पाता है जब दूसरा बाजू उसके साथ होता है, इसी तरह मेरे लिए भी दोनों के साहित्य में दिलचस्पी, दोनों को समझना, आगे उसको किसी भी तरह से उसका उसकी सेवा करनी, ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी रहा, और मैं इसी तरह से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ती रही। और आज गर्व का अवसर है कि जन सुलभ पुस्तकालय की इनायत से मुझे ये मौका मिला है कि मैं हिंदी के एक प्रसिद्ध कहानीकार, जी हाँ आप तो जानते ही हैं, निर्मल वर्मा जी की मशहूर कहानी वीकेंड पढ़ने के लिए मुझे बुलाया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। किसी आइकॉनिक लेखक की लिखने की प्रस्तुति भी अपने आप में एक चेतावनी है, एक सॉर्ट ऑफ चैलेंज है। मैंने पहले भाषा को समझना, फिर उसका अर्थ, उसके अंदर शब्दों के अंदर जो अर्थ छुपा है उसको समझना, उनका उच्चारण करना, उसकी नाटकीयता जानना, और लेखक का मुद्दा क्या है ये लिखने के लिए, ये भी हर लेवल पर इस पर काम करना ज़रूरी है। कोविड की बेजारी से दिन रात की बंदिश के बावजूद कोशिश की है मैंने कि आप तक कुछ अच्छी ही तरीके से इस कहानी को पेश करूं। उम्मीद है आप इससे खुश होंगे। तो आइए सुनिए मुझसे वीकेंड, निर्मल वर्मा लिखित। अंधेरा, मंच के बीचों बीच उभरता एक आलोक वृत्त। कहानी की नायिका चाय का कप हाथ में लिए खड़ी है और दूर कहीं देख रही है। टेप रिकॉर्डर पर आती उनकी आवाज, ये मैं याद रखूंगी, ये चनार के पेड़, ये सुबह का भूरा आलोक, और क्या याद रहेगा। पेड़ों के बाद बदन में भागता वो हिरन, आइसक्रीम का कोन, घास पर धूप में चमकता हुआ एक साफ धुली पीड़ा की भांक, जैसा मानो अकेला अपने को टो रहा हो। अलार्म की आवाज, पलंग और उसके पास रखा स्टूल आलोकित होता है। वो स्टूल पर रखा अलार्म उठाती है और उसे बंद कर देती है। सोते रहो तो कुछ नहीं, लेकिन अगर जागते में सुनाई पड़े तो वो सचमुच अलार्म जैसा ही सुनाई देता है, माने एक खतरा, एक चेतावनी। कमरे में
आधे अंधेरे में चीखता हुआ जंतु, जिसके मुंह पर उंगली रखने से वह चुप हो जाएगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। चाय का कप स्टूल पर रखकर पलंग के पैताने पड़ी पैंट उठाती है। हम अगर अपने कमरे में हों, अपने बिस्तर पर रात गुजारी हो, तब मुश्किल नहीं पड़ती। तब आंख खोलने की ही से हम वहां से शुरू होने लगते हैं जहां पिछली रात खत्म हुई थी। लेकिन पराए कमरे में हर चीज ठिठकी रहती है, एक खाली फ्रेम, एक रफ ड्राफ्ट की तरह। अपने उतारे हुए कपड़े, आधे पानी का गिलास, उसकी नंगी बाहें, सब कुछ पिछली रात की तरह आपस में जुड़े हुए एक अंग। पैंट पहनने लगती है और नाइटी उतार देती है। हर दिन के साथ एक नया साहस शुरू होता है। ये हमारा घर है, वो कहता है, तुम हमारी हो। और मुझे सच लगता है जैसे मैं उस हमारे में शामिल हूं। वो कहता था, मैं सुनती थी, घर कहीं ना था, इसीलिए घर की आवाज अच्छी लगती थी। इस आवाज में धूप होती थी, और जब वो कहता तुम हमारी हो, तो वो धूप एक घने जंगल में चली जाती थी। पृष्ठभूमि में कहीं दूर एक रेलगाड़ी के गुजर जाने की आवाज। पलंग पर बैठकर सैंडल पहनती है। अपने वीकेंड हम हमेशा दूसरे शहर में गुजारते थे जो बहुत पास था, लेकिन ट्रेन में बैठकर लगता था जैसे हम दोनों अरसे से साथ रहते आए हैं। वो अपना सर मेरे कंधे पर रख देता और मैं बाहर देखती रहती। पलंग के बाईं ओर रखे स्टूल की ओर आती है, उस पर पड़ा ब्रश उठाकर बाल संवारने लगती है। ये हमारे दिन थे। जब मैं बाहर जाती, लोग समझते थे मैं काफी अकेली हूं। मैं चलती जाती दुनिया में अपने हाशिए पर धूप से ऊंघते हुए, और तब सहसा पांव रुक जाते और रात के बारे में सोचती। वो रात जो पिछली रात थी जब हम साथ थे, अगली रात के बारे में जो पूरे हफ्ते बाद आती। शनिवार इतवार, शनिवार इतवार, जैसे नीचे रेल के पहिए केवल इन दो शब्दों को दोहराते हुए चक्कर काट रहे हों। शनिवार इतवार, कितना अजीब है। बचपन में रेल के पहिए जिन शब्दों को दोहराते थे, वो अब भी वैसे ही हैं। मरते हुए, ऊपर उठते हुए, फिर मरते हुए। पलंग के नीचे रखे बैग में से नाइटी और ब्रश इत्यादि उसमें समेटती है। मरता कोई नहीं, आखिर तक जाकर सब लौट आते हैं। दिन भी खत्म नहीं होता। दूसरे दिन वही घड़ी लौट आती है जो पिछली रात जंजीर तोड़कर बाहर अंधेरे में भाग गई थी, पालतू कुत्ते की तरह हांफती हुई। जैसे वो दिन रेल के डब्बे में बंद धूप में उन्हीं दी आंखें जिन्हें मैं अपने होठों में मूंद लेती हूं। अगर आस पास इतने लोग न होते। पलंग के दाईं ओर रखे स्टूल पर से अपना पर्स उठाने आती है। नहीं मरता कोई, कोई नहीं मरता। हवा में उठा हुआ संकेत भी नहीं जो एक जगह उठा रहता है, अपनी तरफ बुलाता है। मैं भागती हुई उसके पास जाकर बैठ जाती हूँ। अंधेरा और तुरंत मंच का अगला हिस्सा आलोकित होता है। वो अपने पर्स और बैग के साथ जैसे पार्क में आ गई है। हम रेल से उतरकर स्टेडियम के मैदान में बैठ जाते थे। चारों तरफ घास थी, लंबी भूरी घास, तार के खंभे, काफी दूर बोर्डिंग हाउस की इमारत। मैं बैठी थी जैसे ये मेरी इतवार की पिकनिक हो। बैग में से एक चादर निकालकर घास पर बिछा देती है। जब हम रेल में बैठे थे
मैंने उससे कहा था कि इस बार मैं अकेली बेंच पर नहीं बैठूंगी। वो अपनी बच्ची को बाहर मैदान में ला सकता है, मैं उसे देखूंगी खेलते हुए और वो जान भी ना पाएगी कि मैं वो हूं जो साथ आई है। वो मैं हूं, यहां मेरे अलावा कोई ना जानेगा। तब उसे बुरा भी ना लगेगा कि वो किसी पराई लड़की के साथ अपनी बच्ची से मिलने आया है। मुझे तो बुरा नहीं लगेगा, उसने कहा। बुरा क्यों लगेगा, मैं महीनों से उसकी बच्ची को देखने की उत्सुक हूं। दूर पेविलियन की खाली बेंचें थीं, एक के ऊपर एक, किसी पुराने रोमन एम्फीथिएटर की तरह। लाल टीन की छत धूप में जगमगा रही थी। ये मार्च का दिन है जो उठने के साथ साथ चमकीला होता जाता है। उठ खड़ी होती है और मंच के दाएं कोने की ओर बढ़ती है। यहां मैं हूं, वो आदमी बच्ची से मिलने आया है। शाम तक खेलेंगे, मैं उन्हें देखूंगी, रात को हम लौटेंगे। ये शब्द तसल्ली देते हैं, खुद खाली होकर भी मेरी खाली जगहों को ढक देते हैं। मंच का अगला हिस्सा धीरे धीरे मंद और पिछले हिस्से में पूरा आलोक, जैसे वो सोचती सोचती पुनः कमरे में आ गई है, पलंग पर बैठ जाती है। ये मैं अब समझती हूं, पहले मैं ऐसी नहीं थी। पहले मैं जबरदस्ती करती थी। 5 दिन काम के बाद जब मैं उसके कमरे में आती थी, मेरी तसल्ली खत्म हो जाती थी। क्या हम ऐसे ही मिलते रहेंगे चोरों की तरह? चोर भी तो बाहर निकलते हैं। तुम कोई फैसला ले लो ना, ना इधर ना उधर। मैं बच्चों की तरह कपड़े खींचने लगती, कमरे के चारों तरफ चक्कर काटने लगती, सब कुछ काटने को दौड़ता था और मैं भी सब कुछ को काटने दौड़ती थी। वो सुन्न सा होकर मेरी तरफ देखने लगता, फिर मैं उसे देखती और रोने लगती। कुछ मुझे डर लगता था, मुझे उसके सुन्न हो जाने से बहुत डर लगता था। मुझे डर लगता था कि जैसे उसकी पत्नी ने उसे खो दिया है, मैं भी उसे खो दूंगी। नहीं नहीं, तुम ऐसे ही ठीक हो, मैं धीरे से फुसफुसाती और वो मुझे खींच लेता। हम दोनों एक दूसरे को पकड़ लेते, हम छूने लगते एक दूसरे की खाली जगहों को जहां भूत बसेरा करते थे। वो मेरे होठों, मेरे कटकटाते दांतों के नीचे कांपने लगते। मुझे लगता जैसे मेरे होंठ पहली बार उसके अंगों की यात्रा कर रहे होंगे। हम ऊपर चढ़ते जाते थे और जब वो शिखर को छू लेता था तो मैं भागती हुई उसे पकड़ लेती थी और कुछ देर तक हम एक दूसरे की सांसों में ढके वहीं लेटे रहते, वहीं शिखर पर। वहां कोई ना होता था, न भूत प्रेत, न कोई शोर, सिर्फ एक सुख का सन्नाटा, सन्नाटा। फिर जब हम नीचे उतरते तो मैं तौलिए से अपनी देह पूछने लगती, जहां जहां मैं उसकी चाहना के नीचे भीगती रही हूं, उसकी देह पूछने लगती, बच्चों की सी सफेद निरी दे जो विवाहित होने के बावजूद कुमारी जान पड़ती। ये सोचना असंभव लगता था कि बहुत पहले कभी दूसरे हाथों ने उसे छुआ होगा, अपने में समेटा होगा। दे के जिन कोनों में मेरी पीड़ा फंसी है वहां उसके प्रेत हैं, मैं उन्हें खोलती हूं, वो आते हैं। कमरा फिर अंधेरे में और पार्क आलोकित हो उठता है। वो पलंग से उठकर पुनः अपनी जगह पर सामने की ओर देखती है। वो आ रहे हैं,
आ रहे हैं, मैं उन्हें दूर से देख सकती हूँ। उसकी आवाजें हवा में उठती और मेरा दिल बैठने लगता। फिर सहसा बच्ची ठिठक गई, जैसे ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे। उसने आदमी का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें काफी चौकन्नी हो रही थी। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की। बच्ची मेरी कोशिश को देख रही थी। हमेशा से बच्चे मुझे आतंकित करते रहते हैं, और अगर वो लड़कियां हों तो और भी ज्यादा, क्योंकि तब मुझे लगता है जैसे वो मेरा भेद जानती हूं। वो उसकी बच्ची है, उस आदमी की जिसे मैं चाहती हूं, जिसे मैं बेहद चाहती हूं। उसने उसने बच्ची के कानों में कुछ कहा, शायद कहा कि वो बेंच पर बैठी हुई लड़की को जानता है, वो अजनबी नहीं है, उसे उसे डरना नहीं चाहिए। बच्ची मुझे देखती रही। तनी हुई रस्सी कुछ ढीली पड़ी, लेकिन जहां पहचान आनी चाहिए थी वहां सिर्फ सलवटें थी। और तब मुझे हैरानी हुई कि बच्ची उम्र में चाहे छोटी हो, उसकी अपनी शर्तें हैं, और अपनी शर्तों में वो उतनी ही आत्मनिर्भर और अकेली है जितनी कि मैं। हम दोनों एक मैदान में हैं, और दोनों को किसी लिहाज की जरूरत नहीं है। नीचे लेट जाती है और एक सिगरेट सुलगा लेती है। मार्च की हवा ऊपर से गुजर जाती है। उन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया है, वो अब उससे खेल रहा है। हम दोनों रेत के ढेरों के बीच भाग रहे हैं। तुम ऊब तो नहीं रही? मैं ऊब नहीं रही, मैं मजे में हूं। मैं सचमुच मजे में हूं। वो कितना खुला दिन है, मैं कितनी खुली हूं, मैं कहीं भी जा सकती हूं। अध लेटी होकर सामने देखती है। कितना आसान है। उसने आइसक्रीम खरीदी है, एक बच्ची के लिए, दूसरी मेरे लिए। एक क्षण के लिए हम अपनी दूरी पार जाते हैं। लगता है वो मेरी साथिन है, पर वो मुझे अजीब कातर निगाहों से देखती है, जैसे पास आना चाहती हो लेकिन डर छोड़ना नहीं चाहती। डरपोक लड़की। मैं अपना गुस्सा दबाकर उसके डर का कांटा बाहर निकालती हूँ, और तब देखती हूँ जैसे उसकी सारी आत्मा लहू लुहान है, और मैं जल्दी से कांटे को वहीं दबा देती हूँ जहां वो पहले था। वो लौट जाती है। मेरे पास उसे देने को कुछ नहीं है। कितना आसान है, कितना आसान है। मैं कहीं भी जा सकती हूँ। मेरे लिए सब कुछ खुला है, मेरे कोई बंधन नहीं जैसे उसके हैं। एक छोड़ी हुई पत्नी, एक बंधी हुई बच्ची, बीच में मैं, खाली जगह को भरती हुई हवा की तरह जो हर सूने कोने में बसेरा करती है। और जब फैली हुई दुनिया उस खाली जगह को भरने का दावा करती है तो मैं कुछ भी नहीं कहती। अपना बोरिया बिस्तर उठाकर दूसरी तरफ चली जाती हूं। लेकिन मैं जाऊंगी कहीं नहीं। मैं यहां हूं, पार्क के एक कोने में खुली रोशनी के नीचे उनकी आवाजें सुनती हुई। ये मेरा वीकेंड है, इसे कोई मुझसे नहीं छीन सकता। मंच के बाएं कोने में आकर दूर देखती है।
टेप रिकॉर्डर पर मेरी गुरांड और बच्चों की चीखें आ रही हैं। वो अब भी घूम रहे हैं मेरी गुरांड में चक्कर, और कोई आवाज नहीं, सिर्फ पत्तों की सरसराहट के बीच चीखें सुनाई देती हैं। वो घोड़े पर हैं, लकड़ी के लाल नीले घोड़े, मोटरें, ट्रैक्टर ऊपर नीचे उठते हुए। दूर से वो कठपुतलियां दिखाई देते हैं एक दूसरे के पीछे भागते हुए, हवा में तिरते हुए। वो किनारे पर खड़ा है, हल्के से उसके घोड़े को धक्का देता है, अपने से परे, फिर भी इतना परे नहीं जहां सुरक्षा न हो। नहीं, बच्ची की चीखों में कोई डर नहीं है। वो डर के हाशिए को छू कर लौट आती है। वो पंखों से हल्की है, हवा में बहती हुई, धूप में चमचमाती। वो एक बहाना है, वो एक बहाना है। जहां डर लगता है होता नहीं। मुझे पहली बार ईर्ष्या हुई, एक सूखी सी जलन जिसे मैं पीछे छोड़ आई थी। सिगरेट घास पर मसल देती है और पुरुष और उसकी बच्ची को आते हुए जाते हुए देखती है। तुम यहीं बैठो, मैं इसे छोड़कर अभी आता हूं। बच्ची अलग खड़ी थी, अपने पिता के पीछे सिमटी हुई। बिस्कुट, केक, फलों के लाल फीतों से बने डिब्बे जिन्हें पिछले दिनों हमने खरीदा था, बच्ची के हाथों में है। पूरे एक हफ्ते तक चलने वाली चीजें अब बच्ची के हाथों में है। इस बार मैंने बच्ची को ध्यान से देखा, जैसे जैसे उसे पहली बार देख रही हूं। छोटा चेहरा, हल्का सा पीला, दोनों होंठ अध खुली डिब्बियों की तरह थोड़े से खुले हुए, लेकिन आंखें बहुत बड़ी और काली। किनारे से देखो तो बाप जैसी हैं, बीहड़। वो जान गई थी कि ये जाने की घड़ी है और किसी तरह का विरोध बेमानी है। बच्चे अपनी नियति को उसी तरह सूंघ लेते हैं जैसे कुत्ता अपनी जान को। एक सीमा के बाद छटपटाना छोड़ देते हैं। पर ठीक है, किसी दिन बड़ी उम्र में जब वो अपना चेहरा देखेगी तो ये दोपहर शीशे के बाहर झांकेगी उसकी तरफ ताकती हुई। वो सोचेगी, जब मैं छोटी थी एक अजनबी लड़की मेरे पिता के साथ यहां आई थी, दिन भर घास पर बैठी रहती थी। वो कभी दोबारा नहीं आई, लेकिन हम दोनों ने एक साथ आइसक्रीम खाई थी। कितना अजीब है, बड़े होकर सिर्फ छोटी चीजें याद रह जाती हैं। धूप में चमकती मूंगफलियों के छिलके, आइसक्रीम का कोन। पर्स में से आईना लेकर मेकअप ठीक करती है, डायरी निकालकर लिखने लगती है और फिर सो जाती है। दूर कहीं घड़ी की टनटन की आवाज सुनकर उठ बैठती है और चारों तरफ देखती हुई। वो छाया जो पेविलियन की छत से पेड़ों से पार पर उतर आई थी जब शहर के स्क्वायर को घेरने लगी थी। लगता था वो छोटा शहर दो हिस्सों में कट गया है, आधा घिरते अंधेरे में, आधा सिकुड़ती धूप में। छोटे शहर की अपनी दराजें होती, एक खींचो तो सब कुछ बाहर निकल आता है। धुंधवाती बत्तियां, गिरजे पर उड़ते कबूतर, लड़कियों की बोर्डिंग हाउस, लंबे शीशों वाली खिड़कियां, जिधर से पुरुष आ रहा है उस तरफ देखते हुए। वो अब आ रहा है, मरती हुई धूप में चमकते पत्थर, उन पत्थरों पर चलते हुए उसके पैर। और तब मुझे ये चमत्कार सजान पड़ा कि ये आदमी मेरा है, मेरे पास आ रहा है। ये एक अद्भुत अविश्वसनीय घटना थी, सिनेमा के एक दृश्य की तरह। जब रील खोलो तब वही एक घटना। खिड़की के स्क्वायर पार करता हुआ वो आदमी
धूप में चमकते पत्थर, पत्थरों पर चलती पैरों की छाया, ये शाश्वत चीजें हैं जिन्हें कोई मुझसे नहीं छीन सकता, ना वो बच्ची ना उसकी पत्नी। पुरुष की उपस्थिति का अनुभव करती है। उसकी सांस मेरी तरफ आई थी, मेरी तरफ आई थी उसकी सांस। मैं आंखें मूंद कर उसकी सांस पहचान सकती हूं, उसके कपड़ों की गंध की तरह। सबसे पहले मैंने उसकी घबराहट को देखा था जब वो मेरे पास आया था, फिर उसकी सांस आई थी, फिर उसने मेरे कंधों को छुआ, उसी जगह जहां प्यार करते समय उसके भूखे होठ होते थे। फिर वो धीरे से मुस्कुराया, हालांकि चेहरे की खुश्की जैसी थी वैसी ही जमी रही। मुझे देर तो नहीं हुई, उसने मेरी तरफ झांका, उसकी आवाज में हल्की सी थरथराहट थी, जैसे हवा में बिजली का तार कांपता है। मैं चाहता था उसे सुलाकर लौट सकूं, तब मैंने उसकी तरफ देखा, जैसे महज सीधा देखने में ही उसकी पीड़ा ढक लूंगी। वो सो गई थी, मैंने पूछा। वो हिचकिचाहट झूठ और सच के बीच उसकी हिचकिचाहट बहुत पुरानी थी। जब पहली बार मैंने उससे पूछा था कि वो विवाहित है, मुझे उसकी झिझक बहुत हास्यास्पद लगी थी, क्योंकि सच पूछो तो मुझे रत्ती भर परवाह नहीं थी कि वो विवाहित है या नहीं, जब तक वो मेरे पास है। हालांकि उसकी बच्ची को देखने की उत्सुकता शुरू से ही थी। नहीं, जब मैं उसे छोड़कर आने लगा तो वो रोने लगी थी। उसने अपने चेहरे को मेरी उंगलियों से ढक लिया था। मैं वहीं खड़ा रहा। वार्डन ने मुझे जाने के लिए कहा, क्योंकि जितनी देर मैं वहां खड़ा रहूंगा उसकी उम्मीद बनी रहेगी कि मैं उसे छोड़कर जाऊंगा नहीं। जब मैं सीढ़ियां उतरने लगा तब भी मुझे उसकी चीखें सुनाई दे रही थी। चीखें, काफी बीहड़ जंगल रहा होगा वहां, अकेली बच्ची रहती होगी। रात को जब वो मेरी देह को छुएगा तो सीढ़ियों पर उतरती हुई चीखें ठिटक जाएंगी, अपने आप उल्टे पांव लौट जाएंगी। इस दुनिया में मुझे किसी पर इतना भरोसा नहीं है जितना अपनी देह में, देह की चाहना में। उसके सहारे वो जहां भी हो वहां से मैं उसे खींच कर ला सकती हूँ। उसमें जादू है, वो खुद अपने में जादू है। लेकिन इस क्षण नहीं है, इस क्षण मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है। उसका हाथ मेरे देह से परे है। टेप रिकॉर्डर पर उसकी आवाज। वो अलग समय था, मैं शुरू गर्मियों से उससे मिली थी, फिर सर्दियां आई थीं और मैंने सोचा था अब कोई फासला होगा, वो यहां होगा जहां मैं हूं, या दूसरी तरफ जहां हम चोरों की तरह मिलते हैं, जहां सुनसान वीकेंड हैं, बहुत दूर बच्ची है, आती जाती रेलें हैं। फिर उन पेड़ों पर पत्ते आना शुरू हुए जब हम प्यार करते, पेड़ों की तरह फासले गुजर जाते। गर्मियों के दिन भी सीढ़ियों पर उतरना, रोना भी। फिर वो दिन आया जब मैंने सोचा अब उससे कभी नहीं मिलूंगी, मैं सड़क पर चलती रहूंगी और अगर वो कहीं दिखाई देगा तो उसकी तरफ देखूंगी भी नहीं, पीछे मुड़कर भी नहीं। जैसे जैसे वो हवा है और मैं आंखें मूंद कर उसके बीच से गुजर जाऊंगी। डायरी पढ़ना बंद कर देती है और पलंग पर जट जाती है। लेकिन जब मैं आंखें खोलती वो वहीं होता जहां पहले था,
मैं उसके भीतर होती एक सन्नाटे की तरह, और वो करवट बदलकर मेरी तरफ देखता। मैं ठीक हूं, कहता। तुम अभी सोई नहीं? अभी सारी रात बाकी। सुनो, तुम अभी सोच रहे हो? किसके बारे में? उसने आंखें खोली और हरके कौतूहल से मेरी तरफ देखा। जब शाम हुई थी, मैंने कहा, तुम सीढ़ियां उतर रहे थे, वो रो रही थी। मंच के दाएं कोने में टेलीफोन की ओर बढ़ती है। मैं बाहर आई और चलती गई, फिर रुक गई। सब जगह अंधेरा था, सिर्फ गलियारे के बीच सीढ़ियों के पास एक पीली बत्ती टिमटिमा रही थी। उसके नीचे टेलीफोन था, मुझे अपनी ओर खींचता हुआ। रिसीवर उठा लेती है। जब रिसीवर उठाया तो ऑपरेटर की आवाज सुनाई दी थी। कौन सा शहर, कौन सा नंबर? नंबर मिलते ही वो ठिठक गई। मुझसे पूछा, कौन, आप कौन है? मैंने प्रश्न को अलग ठेलते हुए कहा, देखिए, मैं सिर्फ ये जानना चाहती थी कि वो सो गई या अब भी रो रही है। कौन सी बच्ची? यहाँ 150 बच्चे हैं, दूसरी तरफ से आवाज आई। 150 बच्चे? एक एक डॉर्मेट्री में? और उसके पीछे उसकी बच्ची का चेहरा था जो दोपहर को पार्क में खेल रही थी। मैं हंसने लगी और ठहर गई, जैसे चलते चलते हंसना असंभव हो। और तब अंधेरे में अकेले हंसते हुए मुझे एक चीज पता चली कि दुख ही ऐसा तत्व है जो अलग अलग बंटकर छोटा नहीं होता, बड़ा भी नहीं होता, सिर्फ साफ हो जाता है, चमकीला और साफ। पलंग पर आकर बैठ जाती है। मैं लौटने लगी। मुझे अब कोई परवाह नहीं थी, जैसे मैं अचानक हल्की हो गई थी। कमरे में आई तो देर तक उसके सामने बैठी रही, अपने कंबल में लिपटी हुई। खिड़की के बाहर मैली सी रोशनी फैलने लगी थी। मैं उन चनार के पेड़ों को देख रही थी जो धीरे धीरे अंधेरे से निकल रहे थे। कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी जीता हुआ भी करीब करीब मरने की सीमा तक पहुंच जाता है। मरता नहीं, लेकिन मरते हुए प्राणी की तरह पूरी जिंदगी घूम जाती है। मैरी गो राउंड की तरह सब चुके हुए मौके और आधे फैसले काट के घोड़ों की तरह एक दूसरे के पीछे भागते हैं, लेकिन उनके बीच का अंतर नहीं रह जाता, वो वहीं रहता है जैसे शुरू में था। कोई किसी को पकड़ता नहीं। पलंग के सिरहाने आ जाती है। मैं उसे पकड़ती हूं और वो मुझे खींच लेता है अपनी देह की गर्माई में। तुम जा रही हो? उसकी सोई आवाज में पिछली दोपहर की गंध थी, घास की, बीते हुए समय की। मैं फिर आऊंगी। मुझे खुशी हुई कि मैं इन गंधों के बासी होने से पहले ही जा सकती हूं। मैं फिर आऊंगी अगले हफ्ते, लेकिन इस समय मैं जा सकती हूं अपने अकेले कमरे में, अपने ठंडे अनछुए बिस्तर पर। मुझे उन दंपतियों पर हमेशा हैरानी होती है जिन्हें एक दिन के बाद दूसरे दिन भी साथ रहना पड़ता है। कैसे उन भूरे रंग के खाली अंतरालों को जोड़ पाते होंगे जिनसे देह की उत्सुकता और पीड़ा उपजती है। नहीं नहीं, सोए हुए बिस्तरों की आत्मीयता मेरे लिए नहीं है,
वे उन फैसलों की तरह है जिनसे परिवार बनते हैं। अपने बैग और पर्स के साथ कमरे से बाहर निकल जाती है। मंच का पिछला हिस्सा अंधेरे में डूब जाता है। मेरे लिए वीकेंड है। अंधेरे से अलग अलग लैंप पोस्टों की तरह जलते हुए सुबह होते ही बुझ जाते हैं और मैं अपना पर्स और टूथब्रश लेकर बाहर आती हूँ। मैं सुबह ही लौट आती हूँ चोरों की तरह, ताकि दूसरे पड़ोसी मुझे अपार्टमेंट से बाहर निकलते हुए न देख सके। जाने से पहले मैं एक बार आखिरी बार उसके कमरे को देखती हूँ। दीवार की तरफ मुड़ा हुआ उसका सर, आधे तकिए पर मेरे सर के निशान, बच्ची के बहुत पुराने खिलौने जिसकी अब कोई ज़रूरत नहीं, मेरी कुछ किताबें जिन्हें मैं हर हफ्ते वहीं छोड़ जाती हूँ, और वो तीन चनार के पेड़ जहाँ पहले पत्ते थे अब वो खाली हैं। फिर बसंत के दिन आएंगे और मैं अगली गर्मियों की प्रतीक्षा करूँगी, उसके बाद पतझड़ और फिर सर्दियाँ और सर्दियों के छोटे धुंधले दिन। तसल्ली देता है काम पर जाते हुए लोग, भरी हुई ड्रामे, स्कूल जाते हुए बच्चे, कभी कभी उनमें से काम पर जाते हुए लोग भरी हुई ड्रामे स्कूल जाते हुए बच्चे कभी कभी उनमें से मुझे कोई उत्सुक आंखों से देखने लगता है। सोचता होगा कितनी अकेली है लड़की, पता नहीं इतनी सवेरे कहाँ जा रही है। नहीं, मैं कहीं जा नहीं रही, सिर्फ लौट रही हूं। वो सामने देखती हुई धीरे धीरे अंधेरा।